दोस्तों आज पेंट कमिंस ने शानदार बैटिंग करके मुंबई इंडियंस के हाथों से जीत छीन कर केकेआर के झोली में डाल दिया। पेंट कमिंस के ताबड़तोड़ बैटिंग के कारण मुंबई इंडियंस को इस सीजन लगातार 3 मैच हार गई। दोस्तों इस मैच में मुंबई इंडियंस ने आंद्रे रसल का विकेट लेकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया था। वेंकटेश अय्यर इस मैच बहुत धीमी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पेंट कमिंस बैटिंग करने के लिए आए उसके बाद केवल द पेंट कमिंस शो देखने को मिला। पैट कमिंस ने सबसे पहले टाइमल मिल्स के ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाया, फिर जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी कमिंस ने एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन पैट कमिंस का असली शिकार तो उनके ही देश के डेनियल सैम रहे, जिनके एक ही ओवर में कमिंस ने 35 रन जड़ दिया और केवल 14 गेंद में 50 जड़, आईपीएल इतिहास के फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब पैट कमिंस आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 बनाने वालों के लिस्ट में केएल राहुल के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पैट कमिंस के केवल 15 गेंदों में 56 रन के पारी के बदौलत केकेआर की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर लिया और इस जीत के साथ ही केकेआर की टीम पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंच गई और मुंबई इंडियंस को एक और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों पैट कमिंस के इस शानदार बल्लेबाजी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।